CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश। छू लूं मैं आकाश, छू लूं मैं आकाश, छू लूं मैं आकाश। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम जानकी अम्माल, वनस्पति विज्ञान में भारत की पहली महिला वैज्ञानिक। कुछ तो ऐसा विशेष जरूर है भारत की मिट्टी में कि इसने एक से एक विलक्षण, प्रतिभाशाली और ऐसे असाधारण व्यक्तित्वों को जन्म दिया है जो आज करोड़ों लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं। यदि पूछा जाए कि बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया तो तुरंत उत्तर मिलेगा, थॉमस अल्वा एडिसन ने। यदि पूछा जाए कि E=MC² का फॉर्मूला किसने दिया तो तुरंत उत्तर मिलेगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। लेकिन यदि पूछा जाए कि किसने हमें दी विश्व स्तरीय उन्नत मक्का की नायाब फसल, किसने दी हमें उच्च कोटि के गन्ने की मिठास, और किसने खिलाए इंग्लैंड में मैग्नोलिया के खूबसूरत फूल, तो शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि वो महान शख्सियत हैं भारत की पहली महिला वनस्पति वैज्ञानिक जानकी अम्मा। उनका पूरा नाम था ईडा वलत कक्काट जानकी अम्मा। जानकी अम्माल का जन्म 4 नवंबर 1897 में केरल के तिल्लीचेरी में हुआ था, जो अब तल्लाशेरी के नाम से जाना जाता है। जानकी अम्माल के पिता दीवान बहादुर इड्डा वलत कृष्णन तत्कालीन मद्रास जिले में उप न्यायाधीश थे और उनकी माँ का नाम देवी कृष्णन था। ये वो समय था जब महिलाओं को अपने छोटे छोटे अधिकारों के लिए भी समाज से संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन जानकी का समाज इन बातों का अपवाद था। उनके समाज में स्त्रियों की शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाता था। बालिका जानकी अम्माल के घर का नाम था इड्डा वलत हाउस, जो समुद्र के किनारे था। स्कूल जाना, स्कूल से वापस लौटते समय समुद्र की रेत पर घरौंदे बनाना, दौड़ना और समुद्र तट के आसपास की वनस्पतियों को ध्यान से देखना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। उनके मन में इच्छा थी खूब पढ़ने की। अरे हो गई स्कूल की छुट्टी, अब बताओ कहाँ चलेंगे हम लोग? समुद्र के किनारे चलेंगे ना, वहाँ पर रेत के घरौंदे बनाएंगे। अरे मैं तो मछलियाँ देखूंगा। मैं भी। तुम भी अगर आज मेरा घरौंदा तोड़ा ना तो देख लेना लड़ाई हो जाए। अरे तुम तो हमेशा लड़ती रहते हो। चलो और कोई काम नहीं है। चलो चलो जल्दी करो। जानकी चलना, दौड़ लगाते हैं नारियल के उस पेड़ तक। नहीं जॉन, अभी नहीं, अभी मेरा मन नहीं है। अरे जानकी क्यों मन नहीं है, आओ ना, कितना मजा आएगा। नहीं जाओ, तुम खेलो, मैं ना कुछ देखना चाहती हूँ। देखना चाहती हो? क्या देखना चाहती हो? जॉन यहाँ देखो, इस गड्ढे में। इस गड्ढे में यहाँ क्या है? अरे यहाँ तो समुद्र का पानी भरा हुआ है और थोड़ी सी घास है पानी में। जॉन ये समुद्री शैवाल है। समुद्री शैवाल? हाँ, जरा देखो इसके छोटे छोटे पत्ते कितने सुंदर लग रहे हैं ना। कितने प्यारे हैं। ये जानकी, ये भी कोई देखने की चीज है? तुम्हारा तो बस यही काम है जानकी, कभी घास को देखती हो, कभी समुद्री पौधे को देखती हो,
और कभी पेड़ों की पत्तियों को देखती हो। जॉन, मैं जानना चाहती हूँ कि इस घास में ऐसी क्या खास बात है जो ये समुद्र के खारे पानी में भी बढ़ जाती है, जबकि समुद्र तट के आसपास उगने वाली साधारण घास के साथ ऐसा नहीं होता है। कहती तो तुम ठीक हो जानकी, मुझे लगता है कि तुम्हें क्या लगता है जॉन? कि एक दिन तुम कुछ ना कुछ बहुत बड़ा करोगी। वो तो मैं करूंगी। साथियों, और हुआ भी ऐसा ही। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद जानकी उच्च शिक्षा के लिए मद्रास चली गईं। मद्रास अब चेन्नई कहलाता है। जानकी एक मेधावी छात्रा थीं। मद्रास में उन्होंने क्वीन मेरी कॉलेज से स्नातक की शिक्षा पूरी की और साल 1921 में प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई से ऑनर्स की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने कुछ समय महिला क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ाया। इसी दौरान सन 1924 में उन्हें मिशिगन विश्वविद्यालय अमेरिका से मास्टर्स करने के लिए प्रतिष्ठित बाबर स्कॉलरशिप भी मिली। फिर वे उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका चली गईं। साल बाद उन्हें डीएससी यानी डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि मिली। इस तरह वे वनस्पति विज्ञान में डॉक्टरेट से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला बनी और वनस्पतिकी की प्रोफेसर के रूप में भारत लौटी और महाराजा कॉलेज ऑफ साइंस त्रिवेंद्रम में अध्यापन किया। महाविद्यालय की पौध विज्ञान प्रयोगशाला में उन्होंने अपने प्रयोगों को जारी रखा। धीरे धीरे उनकी ख्याति बढ़ने लगी। पौध विज्ञान में उनके कई प्रयोग अनूठे थे। स्थानीय किसान अक्सर उनसे परामर्श लेने आते थे। कुछ ही वर्षों में वे वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में एक जाना पहचाना चेहरा बन चुकी थीं। विज्ञान जगत अब उन्हें अनुवांशिकी, उद्विकास, वानस्पतिक भूगोल और नृजातीय वानस्पतिकी के क्षेत्र में एक मेधावी वनस्पति और कोशिका वैज्ञानिक के रूप में देखने लगा। तमिलनाडु में मक्का और गन्ने की खेती होती थी, लेकिन फसल की गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं थी। भारत में वैसे भी उन दिनों खाद्यान्न की कमी थी, इसलिए फसलों की गुणवत्ता और पैदावार पर ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी था। ऐसी परिस्थिति में सरकार का ध्यान प्रोफेसर जानकी अम्माल पर जाना लाजमी था। प्रोफेसर जानकी को कोयंबटूर स्थित गन्ना प्रजनन केंद्र में विशेष निमंत्रण पर बुलाया गया। आज डॉक्टर जानकी आ रही। जी जी जी, हमने बहुत मेहनत की है लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, कोई मिठास गन्ने में आ ही नहीं रही। मक्के और गन्ने में वो बात नहीं जो हम चाहते हैं। जैसे मक्के के बीज वो आ रही है तो उम्मीद है कि कुछ नया होगा। भारत को एक नए किस्म का गन्ना और मक्का मिले, यही हम चाहते हैं। इसलिए हम बरसों से अनुसंधान कर रहे हैं। जानकी जी की बातों को ध्यान से सुनेंगे तो कुछ ना कुछ इसका ही। प्रोफेसर जानकी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर दिनकरन। प्रोफेसर, जैसा कि आप जानती हैं कि इस क्षेत्र में गन्ने और मक्का की खेती तो बहुत होती है, लेकिन दूसरे देशों की फसलों के मुकाबले हमारी फसल में वो गुणवत्ता नहीं है जो होनी चाहिए। जी हाँ, कुछ दिनों पहले अखबारों में भी इस विषय पर लेख प्रकाशित हुआ था। जी, कुछ उदाहरण हैं जैसे मॉरिशियस के गन्नों में जो मिठास है वो हमारे गन्नों में नहीं है। और शायद आप कहना चाहते हैं कि मक्के के बीज भी उतने पुष्ट नहीं हैं जितने होने चाहिए। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। हमें फसलों को उन्नत करने में आपकी मदद चाहिए। जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। प्रोफेसर जानकी, आपको
हमारी प्रयोगशाला में शोध करने की पूरी सुविधा मिलेगी। यदि कोई जरूरत हो तो जरूर बताइएगा। जी जरूर जरूर बताऊंगी। और इस महत्वपूर्ण शोध में प्रोफेसर जानकी जुट गईं पूरे मनोयोग से। इतिहास के भावी अलिखित पन्ने उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। और फिर जानकी अम्माल की देखरेख में तैयार हुई गन्ना और मक्का की फसल के परीक्षण का समय आ गया। जब कोयंबटूर के कृषि महाविद्यालय में मक्का और गन्ने की नई फसल का परीक्षण हुआ तो पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। नई फसल के गन्ने की मिठास अभूतपूर्व थी और मक्का के तो क्या कहने, उसके दाने देखते ही बनते थे। एक स्थानीय अखबार की सुर्खियों में छपा, प्रोफेसर अम्माल ने दी देश को भारतीय परिस्थितियों में पनप कर उच्च गुणवत्ता वाली मक्के की उन्नत नस्ल और गन्ने की नई मिठास। विज्ञान इतिहासकार डॉक्टर सावित्री प्रीथा नायर ने जानकी अम्माल के जीवन के अनेक अनछुए पहलुओं को बड़ी बारीकी से उकेरा है। वे लिखते हैं, प्रयोगशाला में जानकी ने गन्ने और अन्य पौधों के साथ क्रॉस ब्रीडिंग पर काम किया ताकि भारत में फलने फूलने वाली फसल की अधिक उपज देने वाली किस्म तैयार की जा सके। वो गन्ने और मक्के की फसलों पर सफलतापूर्वक रिसर्च करने वाली पहली व्यक्ति थीं जिन्होंने गन्ने की उत्पत्ति और विकास को समझने में मदद की। इस घटना से प्रोफेसर जानकी अम्माल का नाम पूरे देश में फैल गया। समय करवटें ले रहा था, इतिहास का एक और स्वर्णिम अध्याय रचा जाना था। उनकी ख्याति अब पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। इसी बीच उनके पास इंग्लैंड से वनस्पति विज्ञान पर उच्चतर शोध करने के लिए निमंत्रण आया। इंग्लैंड का एक खूबसूरत गांव है विजली। यहां 240 एकड़ में फैला एक बहुत बड़ा उद्यान है। इस उद्यान में लगभग दुनिया भर के फूलों की किस्में हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा परीक्षण क्षेत्र और वानस्पतिक प्रयोगशाला भी है जहाँ फूलों और पौधों की नई किस्मों का मूल्यांकन किया जाता है। मई से सितंबर महीने में इस गांव में मैग्नोलिया के फूल खिलने लगते हैं। मैग्नोलिया फूलों से पूरा विजली गांव लगभग ढक जाता है। इस खूबसूरती को देखने दुनिया भर से पर्यटक इस खूबसूरत गांव में आते हैं। This is so unbelievable. Really? Look at them. Look at the colors. This is so unbelievable. इतने रंग संग में देखना बहुत खूबसूरत है। Amazing. Very lovely. Astonishingly beautiful. बहुत कम लोगों को पता है कि ये फूल प्रोफेसर जानकी अम्माल ने खिलाए हैं। इन फूलों की जड़ें भारत की हैं। उन्होंने कुछ फूलों की नस्लों की अनुवांशिकी पर प्रयोग करके मैग्नोलिया का खूबसूरत फूल बनाया। ये अनूठा काम उन्होंने तब किया जब वे लंदन में रहकर शोध कर रही थी। इस कार्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन्हें सम्मान देते हुए विजली में रॉयल हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी गार्डन में उन्हें सदस्य नियुक्त किया गया। इस बागीचे के सदस्य इंग्लैंड के शाही परिवार के लोग भी होते हैं। जानकी अम्माल इस संस्था की सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक बनी।
साल 1951 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें भारत में बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नवीनीकरण के लिए बुलाया था। उस समय वे लंदन में अनुसंधान कर रही थीं। तब उन्होंने अपने 3 दशक के लंबे करियर को पीछे छोड़ते हुए सरकारी सेवाओं में अपना भरपूर योगदान दिया। इतिहासकार डॉक्टर सावित्री नायर लिखती हैं, वो भारत तो आ गईं, लेकिन उनके पुरुष सहयोगियों ने एक महिला का आदेश लेने से साफ इनकार कर दिया और बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया को फिर से संगठित करने के उनके कई प्रयासों को ठुकरा दिया गया। उस समय एक भी भारतीय पुरुष पौधों में अनुवांशिकी का नाम शायद ही मुश्किल से लेता होगा, लेकिन प्रोफेसर अम्माल ने अपने शोध में पौधों की क्रॉस डिसिप्लिनरी पद्धति को अपनाया और 1930 के दशक की शुरुआत में ही जैव विविधता के बारे में बात की थी। देखा जाए तो जानकी का जीवन कई लोगों के लिए एक प्रेरणा है। प्रोफेसर जानकी अम्माल को 1935 में भारतीय विज्ञान अकादमी का तथा 1957 में भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का फेलो चुना गया। भारत सरकार ने 1957 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। सन 2000 में भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय ने उनके नाम पर वर्गीकरण विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार स्थापित किया। स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में देश की अग्रणी संस्था राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT ने उन्हें सम्मान देते हुए उनके नाम पर अपने विज्ञान खंड के भवन का नाम जानकी अम्माल खंड रखा है। सात फरवरी 1984 को 87 वर्ष की आयु में इस महान महिला वैज्ञानिक का निधन हो गया। वे करोड़ों लोगों के लिए, विशेषकर महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। भारत की इस प्रथम महिला वनस्पति वैज्ञानिक जानकी अम्माल को आभार सहित हमारा नमन। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जानकी अम्माल, वनस्पति विज्ञान में भारत की पहली महिला वैज्ञानिक। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वन्यांकन विकास सांगवान और शानु मुक्सीम, कलाकार ऋचा सयाल, गौरव मारवा, प्रज्ञा झा, पूनम एस कुदेसिया, सुनील लोहिया और RS रघु, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो आप हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे ईमेल एड्रेस पर भी अपनी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।